पाइनएप्पल सीरा जो बनाने का राज है वो बता रहे आपको शुद्ध देसी किचन पे। ये है सीरा, 250 ग्राम सीरा है। ये 2 चम्मच घी है, शुद्ध घी। ये पाइनएप्पल का ग्रेवी जो अपना सूखा है उसका पाउडर गर्म करके किए, ड्राई फ्रूट है। ये शक्कर है और ये रवा है, अभी फ्राई गर्म है। इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी गर्म होने के बाद ये रवा 250 ग्राम जो है इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे हल्का लाल होने के तक। अच्छे से इसको सेकिएगा जब तक लाल ना हो जाए, एकदम ब्राउनिश कलर आ जाएगा। देखिए रवा हल्का हल्का लाल हो रहा है। अब इसमें शक्कर जो है 125 ग्राम वो डाल देंगे। शक्कर डाल के ड्राई फ्रूट जो कटा हुआ है बारी बारी ये डाल देते हैं। ये हो गया है फ्राई। ये गर्म पानी है, गर्म आधा लीटर गर्म पानी किया है, इसमें डालेंगे हल्का हल्का और इसको मिक्स कर देंगे। गैस को तेज रखेंगे। अब जो ये पाइनएप्पल है, ये ग्रेवी जो बनाया हुआ उसका पाइनएप्पल का पाउडर का इसमें डाल देंगे। तो इसी से मिक्स कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए। पाइनएप्पल एकदम टॉप फ्लेवर आ गया उठ के। हल्का हल्का इसको हल्का 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 मिक्स कीजिए 2 से 3 मिनट। पाइनएप्पल सीरा बनके आपके शुद्ध देसी किचन पे रेडी है। एक 2-3 मिनट का देरी है, हल्का गाढ़ा होने दीजिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। देखिए बनके हो गया रेडी आपका हलवा, ड्राई हो गया। अभी गैस बंद कर दीजिए। खाने के लिए आप मुंह में पानी आ रहा होगा भाई साहब, शुद्ध देसी किचन पे सब यही सब चीज़ बनता है। हर एक वैरायटी आपको मिलेगा देखने के लिए, सीखने के लिए, और घर में आप बनाने के लिए रेसिपी आपको शुद्ध देसी किचन पे जाइए। शुद्ध देसी किचन पे पाइनएप्पल का सीरा बनके रेडी है गर्मा गर्म। तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए शुद्ध देसी किचन पे प्लीज़।